सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं कुछ छोटे मोटे कस्टमाइजेशन करने के लिए। तो उससे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ मेरा बाइक, और उसके बाद शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बाइक एकदम चकाचक दिख रहा है, क्योंकि कल जो है मैंने वॉश करके पॉलिश करवा दिया था। तो बाइक एकदम नया जैसा चमक रहा है। तो पहले हम कस्टमाइजेशन शुरू करेंगे हमारे मिरर सेटअप से। तो मैं सोच रहा हूँ इस ओल्ड मिरर सेटअप को हटवा दूंगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर बार लाइट को हटवा के यहाँ पर जो है बार एंड मिरर सेटअप लगवा दूंगा, जो कि एकदम नया लुक देगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से। सो अभी हम आ गए हैं अपने राइडिंग सेटअप में। तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं हमारा राइड। सो बेसिकली वो मेरे जान पहचान वाले एक भैया हैं, तो उनके पास जो है एक स्टूडियो का बिजनेस है उनका। तो उनका कैमरे में कुछ दिक्कत आ गया था, तो अभी रिपेयर के लिए जा रहे थे, तो अचानक से मिल गए रोड पे, तो कुछ देर के लिए बातें कर ली। तो अभी चलते हैं हम अपने शॉप के तरफ। सो हम आ गए हैं बहुत दूर, अभी लगभग 6 to 7 किलोमीटर्स। तो ये जो एरिया है इसका नाम है मार्केट बिल्डिंग। तो आप देख सकते हैं राइट साइड में है वो कॉम्प्लेक्स, और लेफ्ट साइड में होगी मार्केट बिल्डिंग। तो टाइम देख सकते हैं आप, हो चुका है लगभग 10:40। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, लॉकडाउन के बाद शायद जो है ये खुल जाएगा कुछ ही दिनों के बाद। और गाइज ये क्या, तो ये देख सकते हैं आप ऑटो वाले जो है कैसे गाड़ी चला रहे हैं। तो आप जब भी राइडिंग करें तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ कि आप जो है बस ऑटो ये सब चीज़ों से जो है दूरी बना के चले, क्योंकि ये जो है इंडिकेटर भी नहीं देते, कभी भी कहीं से भी घुस सकते हैं। तो फाइनली अभी हम उस ओवर ब्रिज को क्रॉस करके आगे आ गए हैं। तो आपको लेना है अभी जो है लेफ्ट टर्न। तो ये जो एरिया है कल्पना स्क्वायर है, तो अगर आप यहाँ से राइट टर्न लेते हैं आपको मिल जाएगा कल्पना स्क्वायर, और हम जिस शॉप के पास जा रहे हैं वो आपको मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद इधर जो है आपको एकदम सीधा आना है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक ट्रैफिक है, और ट्रैफिक से कुछ ही दूर बस आगे जाने के बाद आपको सिर्फ और एक लेना है लेफ्ट टर्न। तो फिलहाल हम आ गए हैं इस शॉप में। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे थे बार मिरर वगैरह, तो ये रहे भैया। तो उनसे मैंने पूछा तो बार हैंडल के लिए उन्होंने ये मिरर सजेस्ट किया। अच्छा होगा ना ये, तो ये आप देख सकते हैं। ये एडजस्ट हो जाएगा ना, थोड़ा दिखाइए एडजस्ट होके। तो ये जो है वर्टिकल और पैरेलल जो है दोनों तरफ से हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो ठीक है, ये दे दीजिए। सो यहाँ पे जो है भैया के पास आलो व्हील से लेकर हेडलाइट तक किसी भी गाड़ी के लिए कोई भी चीज़ अगर चाहिए आपको, बुलेट का भी आलो व्हील्स भी है ना। तो अभी इस तरफ का आप लोग देख लीजिए पार्ट्स यहाँ पे क्या क्या है। तो हेडलाइट से लेकर हैंडल बार से लेकर सीट सीट कवर से लेकर आपको जो कुछ भी चाहिए, एग्जॉस्ट भी मिल जाएगा, एसी प्रोजेक्ट आकरा भी सब कुछ का जो है आपको यहाँ पे फास्ट कॉपी आ जाएगा ना, ये फास्ट कॉपी सब कुछ फास्ट कॉपी आपको मिल जाएगा, मगर अच्छे प्राइस में और अच्छे क्वालिटी में मिल जाएगा। सो भैया अभी जो है हमें दिखाने के लिए एक एग्जॉस्ट लेके आए हैं। ये किसका है? आकरा बुबी का। कौन से बाइक के लिए ये अच्छा होगा? और बाइक का सब में लग जाएगा, हो गया बैंड पाइप है सर। तो यहाँ पे आपको बैंड पाइप के साथ साथ एग्जॉस्ट का भी ओवरऑल सेटअप मिल जाएगा।
और सामने ही यहाँ पे गैरेज है, आपको फिटिंग करने की भी कोई दिक्कत नहीं है, सामने ही फुल सिस्टम आ जाएगा, एमटी फिटिंग का, एमटी फिटिंग का, एकेटीएम का, तो जिस भी बाइक में चाहे तो लगा सकते हैं। ये कितने का था? ये आ जाएगा 6,500। ओवरऑल सेटअप के साथ कितना आ जाएगा, फिटिंग के साथ? सात हज़ार टोटल ओवरऑल मिला, तो 5,000 हम अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं फिटिंग का चार्जेस। और ये ओवरऑल सेटअप को जो है आपको लगभग 7,000 के अंदर मिल जाएगा, और मेरे चैनल के रेफर में आएंगे तो ज़रूर से डिस्काउंट कर लेना। ठीक है, तो अभी चलते हैं आलू जी देखते हैं। आलू साइड में है ना? ठीक है, तो आलू व्हील्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये रहा शॉप, तो आपको मिल जाएगा इसके एकदम अपोजिट साइड में सामने ही, तो यहाँ पे जो है आपको फिटिंग के लिए 3-4 शॉप मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं। सो अभी हम फिटिंग करवाने के लिए आ गए हैं गैरेज में। तो अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं, ये वही गैरेज है जहाँ पे मैंने अपना बार लाइट जो है सेटअप करवाया था, और इन्होंने ही सेटअप करके दिया था। तो इन्होंने सेटअप करके दिया था, अभी यही जो है इसको निकालेंगे। तो अभी यहाँ पे जो है हम अभी बार हैंडल जो है बार हैंडल मिरर सेटअप करेंगे, तो इसको जो है थोड़ा कट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा लगाने के लिए, तो थोड़ा इसको ओवरऑल काटा गया है। तो इतना इतना जो है दोनों तरफ से कटिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है हमारा मिरर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अभी जो हम इसको डाउन साइड के लिए सेटिंग कर रहे हैं। Few moments later. So, ये रहा हमारा बाइक, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक दे रहा है। और हमारा अभी फ्रंट का जो था ओवरऑल लुक कंप्लीट चेंज हो चुका है। तो अभी बाइक में से कुछ चीज़ें हमें निकालना पड़ा, जैसे कि हमारा पुराना मिरर और ये है बार लाइट वगैरह, तो इन सबको रखते हैं और फिर चलते हैं। सो वहाँ से हम आ चुके हैं घर के पास, तो बाइक तो आपने देख ही लिया होगा, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ क्लोजअप शॉट की ओवरऑल लुक जो है कैसा है। सो गाइज, आज के लिए बस यही था हमारा कस्टमाइजेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी ही आगे और भी कस्टमाइजेशन वीडियोस देखने के लिए। सो आप लोगों को पता ही होगा प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है ORC के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया, यानी कि ऑर्गेनाइज किया गया पहला राइड था, मगर उसके बाद जो है अभी कोरोना की सिचुएशन यानी कि कोविड की सिचुएशन बहुत ही मुश्किल हालतों से गुजर रही है। तो अभी जो है ज़्यादातर प्लेसेस में लॉकडाउन शटडाउन वगैरह चल रहा है, और यहाँ पे भी हमारे सिटी में भी ऐसा ही कुछ सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमारे सिटी में जो है सैटरडे और संडे को जो है कर्फ्यू लग जाता है, तो शटडाउन की वजह से हम कहीं पे नहीं जा सकते। तो ORC का यही मोटो था कि हर संडे राइड करना, जो कि अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो है ज़्यादातर मैं राइड नहीं कर सकता, तो अभी कुछ दिनों के लिए मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही कस्टमाइजेशन या फिर पहले जैसा जो है अनबॉक्सिंग वीडियो सीरीज वगैरह लाऊँ, ताकि आप लोग और आपके साथ साथ मैं भी जो है घर पे सेफ रह के आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो अभी फ़िलहाल अगर कुछ दिनों के लिए राइडिंग का जो है व्लॉग या फिर वीडियोस वगैरह नहीं आएगा, तो आप लोग चिंता मत करना। कोविड के सिचुएशन जो है जैसे ही अच्छे हो जाते हैं आप लोगों को वैसे ही जो है वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही।
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।